म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट. व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट? बिकॉज आप 100 रुपीज के छोटे से अमाउंट से, मिनिमम अमाउंट से भी एक बंच ऑफ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बाय कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट करके आप अपनी वेल्थ को एक्सपोनेंशियली अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कर सकते हो. स्पेशली फॉर दोज इन्वेस्टर्स जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, दे आर नो नथिंग इन्वेस्टर और नो समथिंग इन्वेस्टर, उनके पास बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए, इंडिविजुअल कंपनीज को चूज करके उनको एनालाइज करने के लिए क्वार्टरली बेसिस पे. एंड दैट इज वाई फॉर ऑल दिस टाइप ऑफ पीपल म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए. बट यार प्रतीक, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. कितने सारे फंड्स है, एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स, डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इतने सारे फंड्स में से एज ए इन्वेस्टर हमें कौन से फंड्स को चूज करना चाहिए और कैसे हमारा पैसा उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आई टोटली अग्री, हर एक इन्वेस्टर्स के लिए उनके गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स सूट करेगी. एंड समटाइम्स इट इज सो कंफ्यूजिंग कि इतने सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में से एज ए इन्वेस्टर हमें हमारे रिस्क एपेटाइट एंड हमारे गोल के हिसाब से कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे हमें हमारे लिए एक परफेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स चूज करनी चाहिए. सो इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे. तो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड. Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, we have to know what are the basics of mutual funds. Because basics अगर clear नहीं रहेगा तो आप अच्छे से mutual funds choose नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि mutual funds actual में होते क्या. It is very easy. Let's assume कि मैं एक mutual fund company हो और आप जो मेरे subscribers हो उन्होंने मेरे mutual fund में invest किया है. तो जो भी आप मेरे subscribers and viewers हो जो ये video देख रहे हो, आपसे मैं आपके capacity के हिसाब से 100 rupees, 1000 rupees, 500 rupees, 10,000 rupees और जो भी आप capacity के हिसाब से दे सकते हो मेरे mutual fund में invest करने के लिए, वो पैसा मैं लूंगा और इसका एक पैसों का पूल बनाऊंगा. एंड देन आई एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करूंगा और उस फंड मैनेजर का काम रहेगा बास्केट ऑफ स्टॉक्स को चूज करके उसका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना, जो पोर्टफोलियो ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो हो सके और आपका जो पैसा है उस पैसों को आपके अपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस प्रोपोर्शनेट में उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके आपके पैसों को ग्रो करना. एंड ईयर आफ्टर ईयर ये जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो होते रहेगा और जैसे जैसे ये पोर्टफोलियो ग्रो होते रहेगा वैसे वैसे आपकी जो वेल्थ है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है इस पर्टिकुलर फंड में, वो भी ग्रो होते रहेगा. बट मेरे भी एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ खर्चे तो ऑब्वियसली रहेंगे, जहां पे मुझे उस फंड मैनेजर को अपनी सैलरी देनी है, मुझे कुछ बंदे रखने पड़ेंगे ऑफिस के जो काम है उनको मैनेज करने के लिए, ऑफिस को उसका रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेपर वर्क का बिल और ऐसे एक्स वाई जेड खर्चे हर कंपनीज में रहते और उन खर्चों को पूरे करने के लिए मैं आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करूंगा, जहां पे वो एक्सपेंस रेशियो जनरली एक्टिव फंड्स में 0.50% से 2.50% तक होता है और पैसिव फंड्स में जनरली बिलो 0.50% होता है. सो वो जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो मेरे खर्चों को पूरे करने के लिए और मैं एज अ कंपनी मुझे भी थोड़े बहुत प्रॉफिट तो चाहिए रहेगा, तो वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी काम आता है. सो इट इज विन विन फॉर बोथ ऑफ अस एंड ऐसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी काम करती है. एंड एज वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग, जहां पे बहुत सारे टाइप के इन्वेस्टर्स रहते हैं और इन सारे इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट, रिटर्न एक्सपेक्टेशन एंड गोल्स अलग अलग है और इसी वजह से इन सारे इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी एक फंड परफेक्ट नहीं हो सकता. एंड दैट इज वाई मेरा काम ये रहेगा एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी कि इन सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक फंड तो मेरे कंपनी में होना ही, सो मैं अपना प्रॉफिट बढ़ा सकूं और ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को मेरे म्यूचुअल फंड मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी कर सकूं. एंड दैट इज व्हाई जब म्यूचुअल फंड्स को चूज करने बैठोगे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास बहुत सारी कंपनीज रहेगी म्यूचुअल फंड्स की और उन सारी कंपनीज के अलग अलग फंड्स रहेंगे जो हर एक इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सके. देयर आर मेजरली थ्री टाइप्स ऑफ फंड्स, जहां पे द फर्स्ट वन इज डेट फंड्स, जहां पे अगर आपको अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेट फंड्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. जहां पे डेट फंड्स में भी अलग अलग कैटेगरी आती है जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लिक्विड फंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट फर्स्ट ऑप्शन यू हैव इज डेट फंड्स. द सेकंड टाइप ऑफ फंड्स इज इक्विटी फंड्स, जहां पे जो आपका पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा, शेयर मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है उनमें इन्वेस्ट होगा. एंड इक्विटी फंड्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन ज्यादा है, 5 years, 7 years, 10 years या उससे भी ज्यादा है, तो ही आपने अपना पैसा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज इक्विटी इज रिस्कियर देन डेट फंड्स. एंड इक्विटी फंड्स में भी बहुत सारे सब कैटेगरीज रहते हैं जैसे कि स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एंड सो ऑन. द थर्ड टाइप ऑफ फंड इज हाइब्रिड फंड, जो मिक्सचर है इक्विटी एंड डेट फंड्स को मिला के, जहां पे जो फंड मैनेजर रहता है वो एक पोर्टफोलियो बनाता है जहां पे इक्विटीज भी रहेगी, जहां पे डेट फंड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी रहेगी. ओके प्रतीक, बेसिक्स तो क्लियर हो गए, बट अभी ये बता कि अगर हमें हमारे लिए एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड चूज करना है हमारे रिस्क एपेटाइट, टाइम ड्यूरेशन एंड गोल्स के हिसाब से, तो हमें कैसे चूज करना चाहिए? हाँ बताता हूं, बट उससे पहले आपको एक जरूरी काम करना था जो रह गया है, जो है इस वीडियो को लाइक करना. तो लाइक तो कर दो इस एपिसोड को प्लीज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क जब आप म्यूचुअल फंड
चूज कर रहे हो वो ये है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो वो पैसा आप कितने समय तक इन्वेस्ट करने वाले हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है। अगर वो टाइम ड्यूरेशन 3 साल से कम है तो आपको डेट फंड्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इफ यू वॉन्ट टू नो डेट फंड्स को कैसे चूज करते हैं तो उसका डिटेल वीडियो पहले से बना रखा है जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इक्विटी फंड्स को कैसे चूज करते हैं। सो अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 4 साल या उससे कम है तो आपको आपका पैसा डेट फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज डेट फंड्स में आपको आपके पैसों पे एक फिक्स्ड इनकम मिलते रहेगी और डेट फंड्स इक्विटी मार्केट के जैसे बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते और इसी वजह से अगर आपको 3 से 4 साल के बाद अगर आपको पैसे चाहिए रहेंगे और अगर उस टाइम ड्यूरेशन में मार्केट अगर डाउन है तो आपको आपके पैसों को लॉस में निकालना पड़ेगा, जो हमें नहीं चाहिए। एंड दैट इज वाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 3 से 4 साल या उससे कम है तो आपको स्ट्रिक्टली अपना पैसा डेट फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 4 से 5 साल या उससे ज्यादा है तो ही आपको आपका पैसा इक्विटी फंड्स में डालना चाहिए। सो वंस यू डिसाइडेड कि आपको आपका पैसा इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्ट करना है तो सेकंड क्वेश्चन यू शुड आस्क इज आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज क्या है, कि आप नो नथिंग इन्वेस्टर हो या नो समथिंग इन्वेस्टर हो। इफ यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर आपको आपका पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आप निफ्टी, सेंसेक्स या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज सिंस इंसेप्शन सेंसेक्स ने अप्रोक्सीमेटली 15-16% के CAGR रिटर्न दिए जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया माने जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई इफ यू आर नो नथिंग इन्वेस्टर आपको आपका पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपका पैसा एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो होता रहेगा। एंड द सेकंड थिंग इज जो इंडेक्स फंड रहते हैं उनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं और वो भी एक बेनिफिट हो जाता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का। इफ यू आर नो समथिंग इन्वेस्टर देन यू शुड आस्क 3 क्वेश्चन टू योरसेल्फ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट, द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन। इफ योर रिस्क एपेटाइट इज लो एंड यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर तो आपको आपका पैसा लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो टाइम होराइजन है, आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है वो भी आप कम रख सकते हो, जहां पे 5-7 years अगर आपका टाइम होराइजन है तो आप लार्ज कैप या फिर ब्लू चिप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड बिकॉज यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एंड यू हैव अ लो रिस्क एपेटाइट इसलिए आपको आपका पैसा ब्लू चिप या फिर लार्ज कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और जहां पे रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं रखी जा सकती। इफ योर रिस्क एपेटाइट इज हाई एंड इफ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर तो आपको आपका पैसा मे बी मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपका रिस्क बढ़ जाता है बट उसके सामने आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकते हैं। बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स तो आपको एक बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है जो है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है वो बहुत ही ज्यादा हो। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन मिड कैप फंड्स आई वुड सजेस्ट कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उन पैसों की जरूरत आपको 7 या फिर 7 years से पहले ना पड़े। एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड्स आई वुड सजेस्ट कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस फंड में, स्मॉल कैप फंड में, उस पैसों की जरूरत आपको 10 साल या उससे कम टाइम ड्यूरेशन में नहीं पड़नी चाहिए। एंड अगर आपको अपना इस काइंड ऑफ बैलेंस करना है तो आपको आपका पैसा मल्टी कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक की बिना मत जाना इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। सो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।